हाय फायर साइन, वेलकम। आपके रीडिंग में आपका स्वागत है। हम देखते हैं जुलाई मंथ में आपका कैसा रहेगा, आपके साथ क्या होने वाला है, आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है और आपकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ओके गाइज, सो देखते हैं आपकी पहले करंट एनर्जी, आपकी करंट एनर्जी में क्या आ रहा है और अभी आपकी सिचुएशन क्या है और क्या आपके साथ ये मैच होता है तो आप कंटिन्यू रखिएगा। वैसे फायर साइन के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने के मिली, आपके आप लोगों के काम का जुनून बहुत ज़्यादा है। आपको छोटी से छोटी चीज़ भी, आपको समझो कि आपको मैंने ये बोला कि आप इस पेन से आपको लिखना है जबकि ये पेन ख़राब है, तब भी आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे कि इस आपको जो टास्क दिया गया है इसको आप प्रॉपर तरीके से पूरा करो। ओके, यहाँ पे जो भी मेरे व्यूवर्स हैं ये बहुत ही काबिले तारीफ है और अपने काम में बड़े माहिर हैं और बड़ी शिद्दत से हर चीज़ को पूरी करने की कोशिश करते हैं। जब आपको गुस्सा आता है तो आप बहुत ही तेज़ी से गुस्से से डिसीजन लेते हो। इवन आपको ये भी मुझे एनर्जी फील हो रही है कि आप हर जब आप दान करते हो तो आप जब भी दान करते हो तो आप सोच समझ के दान करते हो, ऐसा नहीं कि आपने किसी को भी दान कर दिया। कहीं ना कहीं आपको ये भी एक एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आप अपने प्रमोशन को लेके बहुत ही ज़्यादा सॉलिड तरीके से, मतलब बोलते हैं ना, बहुत स्ट्रांगली डिसीजन ले रहे हो कि ये बार मेरा प्रमोशन नहीं होगा तो मैं ये बार क्विट कर दूंगा अपनी जॉब को। ओके, सो नेक्स्ट क्या एनर्जी है वो भी मैं देखती हूँ। एक बिल्कुल अपनी लाइफ में होप बनाए रखे हो, कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस बहुत ही पावरफुली कंट्रोल करके बैठे हो। ऐसे बोलते हैं ना कोई इंसान, एक मिनट का इसमें कार्ड्स गिर दे। ओके, कभी कभी क्या होता है, हम जब ऐसा होता है ना कि हम एक बार जो अनबैलेंस हो जाते हैं जब हमारी लव लाइफ के अंदर होता है, आपकी लाइफ लव लाइफ में जो था पहले से कई हद तक आप बैलेंस हो। अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, मतलब आपको कब इन्वेस्ट करना है किस रिलेशनशिप में आपको वो पता है। लेट्स सी और क्या है। ओके, आप किसी ऐसी चीज़ के लिए कंफ्यूज हो, जैसे कि कोई इंसान जैसे वन साइडर है, अचानक से ये चीज़ें बहुत वर्क कर रही थी बट अचानक से कोई चीज़ आपकी तरफ से हट सी गई है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वन साइडर की एनर्जी आ रही है। तो अभी मैं ये देखती हूँ कि आपकी कौन सी एनर्जी आपकी नेक्स्ट जुलाई में मैच होती हुई दिखाई दे रही है, बट मैं ये बार कुछ अलग टाइप के कार्ड्स लेने वाली हूँ गाइस, तो देखते हैं। ओके, जुलाई मंथ के अंदर कहीं ना कहीं आप कहीं बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। इवन आपके सारे बोलते ना बहुत सारा प्रॉब्लम से ओवर थिंकिंग को आप एक टाइप का बैग में डालोगे, पैक करके कहीं जाके फेंक के आने वाले हैं। एक टाइप की सबसे खूबसूरत एनर्जी है, यानी आप कहीं ना कहीं अपना डिप्रेशन लेवल से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो और ये आने वाले पहले 6 डेज जो 1 से 6 दिन के अंदर आप ये बहुत सारी चीज़ें सोचोगे, ओवरकम करने की कोशिश करोगे। जैसे ही जुलाई मंथ स्टार्ट होता है आपके दिमाग के घोड़े दौड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट आपकी लाइफ में और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है वो भी मैं देखती हूँ। या बिल्कुल आपको कोई शादी का रिश्ता आ रहा है, कहीं ना कहीं आप अपने ही फ्रेंड सर्कल के साथ आप बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हो। कोई दीवार वॉल फ्रेम या फिर वॉल आर्ट कुछ खरीदने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने की सोचोगी, मतलब आप कहीं बाहर जाते हुए लिटरली आप कहीं बाहर जाते हुए दिखाई दे रहा, ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है जुलाई मंथ में। और सेकंड आपको और कहीं रास्ता नहीं दिखेगा आपको कहीं बाहर जाने का, नहीं तो आप कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ तो शॉपिंग कर लोगे। आप यहाँ पे बहुत ही सॉलिड तरीके से बाहर एंजॉयमेंट करने वाली एनर्जी मिल रही है। ओके, नेक्स्ट क्या है। या बिल्कुल आपका शॉपिंग का नाम लिया और शॉपिंग का कार्ड्स भी हाजिर हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि प्लीज़ आप अपने थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा शॉपिंग के मामले में, कहीं माइनस में ना चले जाओ क्योंकि आप बड़े जोरों शोरों से आपकी एनर्जी फायरी एनर्जी होने वाली, आप ओरिजिनल रूप में आने वाले जो ओरिजिनल हो, बोले ना कोई नहीं मैं हूँ जो हूँ, सिंपल सी बात है, इस टाइप की एनर्जी। कहीं ना कहीं आप गेम भी खेलते हुए नजर आ रहे, आपके फोन के अंदर कोई गेम्स डाउनलोड करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत छोटी छोटी एनर्जी पीक हो रही है, दिस इज वेरी गुड। ओके, सो आप सच में बाहर जाते हुए नजर आ रहे हो, अपने अकेले जाने की भी कोशिश करोगे, हो सकता है आपकी खुद की स्कूटी या बाइक आप उस पर आप जाओ।
ओके, आप कोई पेट खरीदते हुए नजर आ रहे हो, कोई एनिमल्स को फीड कराते, मतलब एनिमल्स को खाना खिलाते हुए नजर आ रहे हो, जैसे कि डॉग को आपने कुछ खिला दिया, इस तरह से एनर्जी। आप कुछ चेरी खाते हुए नजर आ रहे हो, कुछ फ्रूट्स खाते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन वो एक ही दिन की एनर्जी रहेगी, पूरा दिन पूरा मंथ की एनर्जी नहीं है। सो ये भी एक है। या बिल्कुल अभी एक और चीज़ भी है यहाँ पे, एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, हम इसको पहले देखते हैं किस टाइप की एनर्जी है। बिल्कुल आपकी जो सैडनेस है, ठीक है, वो एक छोटा सा आइकॉन आपके चेहरे पे बन गई कि नहीं, ये लड़की थोड़ी सैड है, उसको डिप्रेशन, लड़का या लड़की, लड़की थोड़ा सा कहीं ना डिप्रेशन में, तो वो टेक्स्ट से आप छुटकारा पाते हुए नजर आ रहे हो। जून, जो जून के बाद से जुलाई मंथ है, 1 से 6 दिन तक आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, इस टाइप की थोड़ी सी एनर्जी लग रही है। लेकिन उसके बाद आप धीरे 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 आउटकम में आओगे अपनी ज़िंदगी के। लेकिन एक चीज़ का याद रखना, रात को सोते वक्त प्लीज़ ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हो तो प्लीज़ अवॉइड करना, वरना आँखों में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है, आँखें थकान सी लगी, ठीक है। किसी की यादों में ज़्यादा नहीं हो, डोंट यू वरी, हाँ याद आएगी, लेकिन किसी की यादों में नहीं, अपनी मस्ती में मलंग होते हुए नजर आ रहे हो। सो लेट्स सी और क्या दिखाई दे रहा है। कई मूवीज देखने भी आप जा सकते हो, प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट यू, आप प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान रखिए, अपने बहुत ज़्यादा ओवर शॉपिंग ना करना, वरना आप सच में माइनस में जाओगे। प्लीज़ वो अपने बजट पे बिल्कुल फोकस होने की ज़रूरत है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें माइनस में भी जा रही है, उस पर भी ध्यान रखना है। आप ये बार पूरी तरह से जो चीज़ों को आपका डर था, जो चीज़ के आपका डर था, वो चीज़ों से आपको लोग टॉर्चर, कहीं ना कहीं आपको बार बार, जैसे कि आपको किसी की याद आती तो वही चीज़ें बार बार आपके सामने आएगी, आपका डर आपके सामने आता हुआ दिखाई देगा और कहीं ना कहीं अनबैलेंस भी होंगे, और वो चीज़ें अचानक से क्विक करके गिरने वाली है, और अचानक से आप इस चीज़ को बैलेंस भी करते हुए नजर आ रहे हो। आप सभी चीज़ों को ख़त्म करके एक आगे वाली आने वाले नए शुरुआत की तरफ जा रहे हो। आपकी नया लाइफ स्टाइल स्टार्ट होने वाला है, हो सकता है 1 से 6 तारीख तक, अभी तक का जून मंथ में जो जो चीज़ें हुई है वो आपको याद आ जाए, या तो अचानक से उनका सामना हो जाए, या कुछ ऐसी चीज़ें जो रिपीटेड दिखाई दे रही हैं। फायरी एनर्जी है, फायर एनर्जी अपनी खुद की, खुद के ही लेवल में आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको एक लेटर के थ्रू आपको ऐसा लगेगा, नहीं मुझे, आपको गुड न्यूज़ तो है, लेकिन साथ में आपको जो प्रमोशन मिलने वाला है, वो प्रमोशन आपके थोड़े से टाइप का नहीं रहेगा, तो वो चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। जो मिला है ऊपर वाले की मर्जी समझ के प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और सेकंड थिंग, आपके कलीग से थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं उनकी जलन आपके सामने दिखाई दे रही है, कहीं आपके काम खराब ना करें। फैमिली के साथ आपका दिन बहुत ही खूबसूरत और शुभ निकलने वाला है, हो सकता है शादी के चांसेस आपके योग बन रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड्स। एंड लव लाइफ के माने तो लव लाइफ के अंदर भी कहीं ना कहीं से कहीं किसी का मैसेज कॉल आने के चांसेस है। हेल्थ के अंदर कहीं ना कहीं 1 से 6 तारीख तक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में रहेगा, हो सकता है 6 तारीख, 15 तारीख, 3 तारीख ये आपके लिए थोड़ी सी डाउन फेस हो सकते हैं, ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों की, दोस्तों की बातें आप सुनते हुए नज़र आ रहे हो, और आप इसकी की वजह से लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन था, आपको ऐसे लगता था कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है या क्या है क्या नहीं, नहीं, आप ये सभी चीज़ों को निकल के आप अपनी ज़िंदगी में खुश होते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत दिनों के, बहुत रातों के बाद अभी चेहरे पर थोड़ी सी खुशी महसूस लग रही है। और सीरियसली गाइस, आप यहाँ पे दर्द को ख़त्म करके हंसते हुए दिखाई दे रहे हो, और कहीं ना कहीं आप किसी की तरफ से सॉलिड कमिटमेंट पा सकते हो, लेकिन उस सॉलिड कमिटमेंट के अंदर भी आपको डर रखने वाला है कि क्या मैं सही जा रही हूँ, क्या मैं गलत जा रही हूँ, इस टाइप का एनर्जी है गाइस। तो प्लीज़ आप ये चीज़ें मत करना, अपने डिसीज़न, आपको जो यूनिवर्स ने जो गाइड किया है, प्लीज़ उस डिसीज़न पे, उस जजमेंट पे प्लीज़ यकीन करना, और गो विद द फ्लो होना। आपकी ये मंथ जुलाई मंथ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है, डोंट यू वरी गाइस। जिसके साथ आप सेपरेशन में थे वो भी आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, पर प्लीज़ गाइस, आई सजेस्ट टू यू, एक मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। आपको यिन एंड यांग का मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, प्लीज़ आप यिन एंड यांग का मेडिटेशन ज़रूर करना, सलाह लेके करें, और सही से आप टैरो का रीडिंग ज़रूर आप अपने लिए भी कराएं। और नहीं है आपको ऐसा लगता है कि टैरो का रीडिंग नहीं कराना है और वीडियोज़ के थ्रू ही मेरी एनर्जी कैच हो रही है, तो आप बहुत ही लकी हो कि यूनिवर्स आपको कनेक्टिविटी आपको बना रहे हैं, आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी आगे बढ़ने की कोशिश आपको यूनिवर्स ही करा रहा है। तो गो विद द फ्लो होइएगा गाइस, सीरियसली
वेंट्स की एनर्जी जुलाई मंथ में बहुत ही खूबसूरत है। आप अपनी लाइफ के अंदर भी ग्रो करते हुए नजर आ रहे हो, अपने लव लाइफ के अंदर भी रीयूनियन होने के चांसेस है। जो भी आप लोगों के प्रॉब्लम थे वो ऑलमोस्ट आई थिंक सो 20 के एंड से लेके 20 टू 30 के बीच में ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेटल होने की तरफ जाएगी और उसके बाद आपका एक नया साइकिल स्टार्ट होगा। जब नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो आएगा तो हम देखेंगे आपकी जुलाई के बाद अगस्त मंथ में कौन सा एनर्जी पिक हो रहा है। तो गो विद द फ्लो गाइस, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।